जब हो जाए फिर आप जरूर बोल देना, ठीक है? जब मैं आपको बोलूंगी अच्छा आप पूछ लो तब बोल देना। चलो, तो वेलकम टू अनदर सेशन, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12। दिस इज कंटिन्यूटी। बाय कंटिन्यूटी वी मीन अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया चल रही है। किन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं? हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। तो हम इसको डायरेक्टली डेफिनेशन से जोड़ते हैं और फिर इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इस रियल वैल्यूड फंक्शन का मीनिंग हम जानते हैं ना, जिसकी वैल्यूज रियल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगी, इमेजिनरी नहीं आएंगी। तो एफ एक फंक्शन है और वो रियल वैल्यूड है, और सी हमने एक पॉइंट लिया है। सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। डोमेन का मीनिंग भी आप सब जानते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है एक वो इंटरवल जहां से हम उसकी सारी वैल्यूज ले सकते हैं f में डालने के लिए, जहां वो डिफाइंड है। जहां वो डिफाइंड नहीं है वो वैल्यू नहीं लेनी। तो c एक पॉइंट हमने ले लिया, डोमेन है f का। देन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें बहुत वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ द फंक्शन लीजिए एज एक्स गोज टू सी, वो वैल्यू अगर एफ सी के बराबर आ जाए, सी पॉइंट को हम फंक्शन में रखते, ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहते हैं एफ इज कंटिन्यूअस। अब ये लिमिट क्या है? क्या ये हम लिमिट 11th में पढ़ चुके हैं? हम सबको याद है लिमिट हम 11th में पढ़ चुके हैं। हमने लिमिट ऑफ फंक्शन निकाली थी, बहुत तरह के फंक्शंस की लिमिट निकाली थी। तो बस उसी तरह से हमने वो लिमिट निकालनी है और चेक कर लेना है क्या वो एफ सी के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम कह देंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कई बार ऐसा भी आएगा ये इक्वल नहीं आएंगे, जब ये इक्वल नहीं आएंगे हम कह देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो नॉट कंटिन्यूअस दो शब्द हो जाते हैं, वो भी लिख सकते हो, और भी क्या लिख सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस एट सी, वो भी लिख सकते हैं एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट सी। तो ये जो सी है ये एक पॉइंट है, एफ एक फंक्शन है ना, और सी क्या है? एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा, हर पॉइंट पे। कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए डोमेन में जहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम कह देंगे कि ये है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इस एक पॉइंट की वजह से हम कह देते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? इस बात को जरा ग्राफिकली समझ लेते हैं। ग्राफिकली मतलब हम ग्राफ बना लेते हैं और देखते हैं इसका क्या मतलब। ये हमें पता है y is equal to mod x का ग्राफ होता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। और प्लीज पर याद जरूर रखिए mod x का ग्राफ। mod x में x अगर नेगेटिव है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, इधर नेगेटिव है अगर x तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये लाइन आएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो ये रही लाइन। क्या इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय, अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, हमने अपनी फिंगर पेंसिल पेन कुछ लिफ्ट किया? नहीं किया। अगर हमको ये लिफ्ट करना पड़े तो डिसकंटिन्यूअस है। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ हम डायरेक्टली ड्रॉ करते जाए बिना अपना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, तो ये कंटिन्यूअस है। ये शॉर्ट में लिख रही हूँ कंटिन्यूअस, CTS। एक और ग्राफ देख लेते हैं। फंक्शन इसका लिख दिया है, नहीं भी लिखा हो तो सिर्फ ग्राफ आपको दिख रहा है। हम ये ग्राफ ड्रॉ करते समय, डोंट माइंड दिस शेकी थिंग, ये ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या हमें अपनी फिंगर लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं। कंटिन्यूअसली हमने एक बार स्टार्ट किया, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीटनेस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बस ना, मगर ये भी कंटिन्यूअस है।
क्योंकि हमने अपनी फिंगर पेन पेंसिल कुछ लिफ्ट नहीं किया। इस पर आ जाते हैं ये वाले ग्राफ पे। ये ध्यान से ये भी देख लो कि ये बना किस चीज का ग्राफ है, कौन से फंक्शन का। y यानी fx is 1 for all x less than 0। तो नेगेटिव x के लिए आपने ये वैल्यू फिक्स लेनी है 1, और पॉजिटिव x के लिए x greater than or equal to 0 के लिए वैल्यू 2 लेनी है। ग्राफ देख ले फिर कैसे बनेगा। ये सारे नेगेटिव x है, y की वैल्यू 1 ही रहनी है ये यहाँ पे, लेकिन 0 पे ये वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए ये एक सर्कल। आपको याद है हमने नंबर लाइन वाले किए थे क्वेश्चन तब, तो हम हमेशा एक सर्कल वो बना देते थे जब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये 0 यहाँ इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन सर्कल। तो ये 0 पर क्या वैल्यू है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 2। इसका मतलब जैसे ही ये 0 आया हमें ये 2 लेना है। और अब आप देख रहे हैं ये क्लोज्ड डॉट है, पूरी कलर्ड है, और उसके बाद लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये फंक्शन है। अब बताओ इस ग्राफ को बनाते वक्त क्या हमें पेंसिल पेन या अपनी फिंगर लिफ्ट करनी पड़ी? बिल्कुल करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से 1 तक वैल्यू गई, देन यहाँ पे वैल्यू छूट गई है, फिर दूसरी लाइन बनी आगे। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हमें पता चल रहा है? पता चल रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसका, x इक्वल टू 0। ये फिंगर जो हमें उठानी पड़ी, पेंसिल जो उठानी पड़ी, वो 0 पे उठाई, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। एंड वो पॉइंट जहां पे ये ग्राफ टूटा वो पॉइंट है x इक्वल टू 0। एक और ग्राफ देखते हैं। ये वाला ग्राफ किस फंक्शन का है? ये रहा, ये है y इज इक्वल टू 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। अब x अगर 0 नहीं है तो y की वैल्यू 1 है, भाई फिक्स दैट, ठीक है ले लो, बना दो ग्राफ। लेकिन अगर x इक्वल टू 0 लेना है तो y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। ये तो x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। सर्कल कलर्ड है, क्लोज्ड है, पता चल रहा है। तो जब 0 है तो 1 नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन सर्कल है, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ये ग्राफ हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना था जो बनाया, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये टूटा। यहाँ पर हमें फिंगर लिफ्ट करके 0 पे यहाँ बनाना पड़ा एक पॉइंट, और फिर आगे इसी को कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है? नो, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगेन x इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात भी क्लियर है सबको, राइट। एक और ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, 11th में हमने किया था। उसकी डिटेल में ना जाते हुए हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप ही लोग बताओगे और बोलोगे, अपने आप को अनम्यूट कर लो, क्या f कंटिन्यूअस है? ये क्वेश्चन है, मैंने आंसर नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है, क्या f कंटिन्यूअस है? नो नो, जिसने बोला है अपना नाम साथ बोलो। वैसे मुझे पता चल गया नेहा ने बोला है। नो मैम, नहीं है। नो मैम, ओके। रुबीना को बोला है आपने? नीतू आपने बोला है? ओके। तनु, कोमल बोलिए, गुनगुन, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है ये, तो अब क्या करना है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इज एफ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CTS, इज एफ कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल -4 से -1। ये जो पूरा है कंटिन्यूअस आपने बोल दिया नहीं, ठीक है, बट इज इट कंटिन्यूअस ऑन -4 -1? नो मैम। अच्छा, ये एक यस yes बोला, एक नो no बोला। नो no बोली नेहा, है ना? ये नहीं बोली? यस मैम, मैं ही नो बोली।
ओके और यस कौन बोला? मुझे दोनों के आंसर्स का कंपैरिजन करना है इसलिए मुझे बता दो यस कौन बोला। ओके चलो कौन बोला से हम फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको घबराना नहीं चाहिए कि कौन बोला क्या बोला, आप समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्लास में आमने सामने होते तो हम पता होता ना कौन बोल रहा है, छुपने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज इस मैटर को डिस्कस करिए। देखो जब हम ये क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं इसका मतलब है हम ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं, माइनस फोर भी ले रहे हैं माइनस वन भी ले रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे माइनस फोर ये और माइनस वन ये, यहाँ तो हमें कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही ना ग्राफ की, दिख ही नहीं। माइनस फोर पे भी ये ओपन सर्कल दिख रहा है, दिख रहा था, मैं ये नया वाला मिटा दूं, माइनस फोर पे ओपन सर्कल है ठीक है, यानी माइनस फोर पे भी ये वैल्यू नहीं है। कौन सी वैल्यू है? ये वाली है, यहाँ पे तो लाइन बनी हुई है, तो माइनस फोर पे ये वाली वैल्यू है y की यानी कि 2 ठीक है, लेकिन माइनस वन पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ग्राफ डस नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू है, तो फॉर सो मेनी रीजंस ये रीजन ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, तो सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके अच्छा अब तो कोई भी पूरा अगर डोमेन में ये कंटिन्यूस नहीं है ना तो हम यहाँ पर नो ही लिखेंगे कहीं भी पॉइंट पर, या तो बहुत सारे ब्रेक्स हैं, तो ये तो नो है, ये भी नो हो गया। अब ये क्लियर दिख रहा है आपको। थर्ड इसी का मैंने पूछा है, क्या एफ कंटिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल? अब यहाँ ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ये ओपन ब्रैकेट है माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस फोर ओपन ब्रैकेट मतलब माइनस फोर को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे है ठीक है, पर उसको कह रहा है छोड़ लो। अब वो यहाँ माइनस थ्री भी कह रहा है छोड़ दो, अगर मैं माइनस थ्री को छोड़ दू तो सिर्फ यहाँ तक वैल्यू लेनी है, और माइनस फोर को भी छोड़ा हुआ है, अगर ले भी लेते तो दिक्कत नहीं थी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ देखना है। बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक में ये कंटिन्यूस है? नो मैम। कोई टूटी है? टूटी है ग्राफ की लाइन कहीं यहाँ से यहाँ तक में, केवल इस इंटरवल में? यस मैम। नो मैम नहीं टूटी, इसलिए ये कंटिन्यूस है, नहीं टूटा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कंटिन्यूस, यही कह रही हूँ। ध्यान से देखें और ध्यान से समझे इस बात को, ग्राफ इस इंटरवल में टूटा या नहीं ये देखना, नहीं टूटा तो कंटिन्यूअस है, टूटा तो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। अब इसी तरह इस पे भी देख लेते हैं, एक जो मैंने लास्ट पार्ट लिखा है, इज एफ कंटिन्यूअस ऑन, अब ये है इंटरवल 2 स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर के 3, राइट हैंड साइड पे आ जाए, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब आपने 2 की वैल्यू लेनी है, 3 की वैल्यू नहीं लेनी। 3 पे ये टूट रहा था, ध्यान से देखें, 3 पे टूट रहा था, वो लेना ही नहीं है ना? तो बताओ क्या ये अब कंटिन्यूअस है? यस दिस इज कंटिन्यूअस। अगर मैं लिख दूं एक और पार्ट, पांचवा पार्ट एक और लिख दूं, 2 से लेके 3 भी लेना है अब क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, तो क्या होगा? 3 पे ये वैल्यू टूटेगी, यहाँ नहीं इधर आएगी। यस मैम। अब ये कंटिन्यूअस।